16.1.3.1 अल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने से OH समूह और समीपस्थ कार्बन का हाइड्रोजन जुड़कर पानी बनाकर अलग हो जाते हैं। इस तरह अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनता है। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, एथीन प्लस H2O। 16.1.3.2 अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में आसानी से ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। C2H5OH ऑक्सीकारक की उपस्थिति में CH3COOH एथेनोइक अम्ल प्लस H2O। CH3OH ऑक्सीकारक की उपस्थिति में HCOOH मेथेनोइक अम्ल प्लस H2O। 16.1.4 अल्कोहल का उपयोग, यूजेस ऑफ अल्कोहल्स। पहला, अल्कोहल में कई पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग पेंट, वार्निश आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा, मेथेनॉल मीथिल अल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस होता है और यह ज्वलनशील भी है, अतः इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तीसरा, एथेनॉल मेथेनॉल की तुलना में कम हानिकारक होता है, इसलिए अधिकतर देशों में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है। स्पिरिट लैंप में भी एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। चौथा, एथेनॉल एथिल अल्कोहल का हिमांक तथा गलनांक -114 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका उपयोग कम ताप वाले थर्मामीटर में किया जाता है। यह आसानी से तथा एक सार रूप में फैलने वाला रंगहीन द्रव है। इसमें लाल रंग का रंजक मिलाया जाता है ताकि तापक्रम को आसानी से पढ़ा जा सके। पांचवा, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल भी एक प्रकार के अल्कोहल ही हैं। ये अल्कोहल साबुन, दवाई और कार के रेडिएटर में प्रतिशीतलक एंटीफ्रिज के रूप में उपयोगी हैं। छठवां, एथेनॉल का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में निर्जर्मी कारक स्टेरिलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अल्कोहल के दुष्प्रभाव, तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से भी नशा होता है। लंबे समय तक लगातार अधिक मात्रा में एथेनॉल लेने से शरीर के यकृत जैसे मुख्य अंग खराब हो जाते हैं, साथ साथ उपापचयी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु तक हो सकती है। यह यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ तेजी से अभिक्रिया करके पूरे शरीर में विषाक्तता फैला देता है। अल्कोहल, विशेषकर एथेनॉल, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। इस कारण इसका उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें विषैले स्वभाव वाला पदार्थ मेथेनॉल 10-15% मिला दिया जाता है ताकि यह पीने योग्य न रह जाए। ऐसे एथेनॉल की पहचान करने के लिए रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है ताकि यह समझ में आ सके कि इसमें मेथेनॉल मिला हुआ है। इस तरह के मिश्रण को मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं।